दोस्तों आज मैं आपको रोजेट स्पूनबिल पंछी के बारे में कुछ रोचक बातें बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस पंछी की गर्दन बहुत लंबी होती है। इस पंछी को लंबे गर्दन वाले पंछियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। ये पंछी ग्रेट आइबिस की तरह दिखाई देते हैं। ये पंछी आइबिस परिवार का सदस्य माना जाता है। ये पंछी अमेरिका, मैक्सिको, कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका के मीठे पानी और तटीय दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दोस्तों अगर इसके वजन के बारे में बात करें तो इसका वजन करीब 2 से 4 पाउंड के बीच हो सकता है, और अगर इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई करीब 28 से 35 इंच के बीच हो सकती है। रोसेट स्पूनबिल का नाम उसके लाल गुलाबी रंग और बड़े सपाट चोंच से मिलता है। दोस्तों अपने प्राथमिक चमकीले पंखों के अलावा उनकी गर्दन काफी लंबी होती है। इनके पीठ और स्तन पर सफेद पंख होते हैं। ये पंछी राजहंस के समान दिखाई देते हैं। दोस्तों अगर इसके आहार के बारे में बात करें तो ये अपने आहार में कीड़े मकोड़े, मेंढक और छोटे स्तनधारियों को खा सकते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि रोजेट स्पूनबिल उथले पानी में भोजन खोजने के लिए अपनी लंबी गर्दन का उपयोग करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं शिकारियों और अन्य खतरों से भविष्यवाणी के बावजूद रोजेट स्पूनबिल पंछी को कम से कम चिंता की प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों अगर इसके जीवन काल के बारे में बात करें तो ये करीब 15 से 20 साल के बीच जीवित रहते हैं, और अगर इसको कैद में रखा जाए तो ये करीब 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।